Have mercy on me, sir. एक्शन करके प्रोफेसर गुप्ता राहुल गुप्ता साहब रेक्टर बदरबा यूनिवर्सिटी कैंपस डॉक्टर प्रोफेसर मनास अदर प्रोफेसर मिस्टर आरिफ खतीब मेरे कॉलीग्स जो आए हैं और स्टूडेंट्स एंड मीडिया पर्सनल ये एक छोटा सा आज इवेंट कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी रेक्टर साहब ने आपको ब्रीफ किया। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक हमें ऊपर से हमारे हायर हेडक्वार्टर से आया था कि ये कोर्स हम भदरवी लैंग्वेज कराएं 4RR, क्योंकि 4RR भदरवा में सिचुएटेड है और जम्मू रीजन्स के जितने हमारे यूनिट्स हैं उनके पर्सनल को इस कोर्स के बारे में कराया जाए, 4 मंथ्स का एक कोर्स हो। तो वो हमने शुरू किया, फिर उसी तहत कमांडर साहब और हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बोला कि अगर एक पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे भदरवा यूनिवर्सिटी कैंपस है, उनके थ्रू जम्मू यूनिवर्सिटी से अगर एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्रेडिशन मिल जाए जो कैंडिडेट्स करते हैं, तो एक इसके 2 फायदे होंगे। कैंडिडेट्स को फ्यूचर आगे के लिए भी बाहर जाते हैं तो उनको भी फायदा होगा, और साथ ही साथ इट विल बी अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड द इंडियन आर्मी एंड इट विल गो अलॉन्ग विद जो यहाँ पे आवाम और जवान का जो रिलेशन है उसको अच्छा करने में। 4RR काफ़ी टाइम से यहाँ है। भदरवी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो यहाँ पे पुराने कल्चर में रही है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो इवन हमारे जवानों को ये सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके तहत तो ये चीज़ सोची गई और इसमें काफ़ी मेहनत हुई है। प्रोफेसर गुप्ता राहुल गुप्ता साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी पुश किया इसको, बिकॉज ईजी नहीं था, जैसे बता रहे हैं आरिफ खतीब साहब कि इसमें काफ़ी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का सैंक्शन जरूरी था एंड फाइनली वाइस चांसलर साहब जम्मू यूनिवर्सिटी, तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूँगा। तो फर्स्टली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच हुआ था वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, देन फाइनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ रेक्टर भदरवा यूनिवर्सिटी अप्रूव हुआ, और उसके बाद एक एक्सटर्नल वैलिडेशन टीम भी इनकी आई थी हमारे कैंपस में। तो फाइनली जो ये कोर्स फर्स्ट बैच था नवंबर से लेके फरवरी तक, इसमें अबाउट 32 कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ जम्मू रीजन जो हमारे नगरोटा बेस्ड हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंडर जितने यूनिट्स आती वो सारे यहाँ आए थे, उन्होंने सक्सेसफुली ये कोर्स कंप्लीट किया। उसमें से कुछ एक सर्टिफिकेशंस आज हम देंगे और कुछ एक क्योंकि वो लोग आ नहीं पाए इतने दूर से, उनको हम बाय पोस्ट ये सर्टिफिकेट्स भेज रहे हैं। बट ये एक स्मॉल स्टेप है एंड मैं बहुत खुश हूँ एंड इंडियन आर्मी की तरफ से मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, इवन वाइस चांसलर साहब रेक्टर साहब एंड ऑल प्रोफेसर एंड आरिफ खतीब साहब जो इसमें इन्वॉल्व थे एफर्ट में, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम ये जो एक इनिशिएटिव है इस कोलैबोरेशन को आगे कोर्सेज के लिए रखें। एंड बहुत खुशी की बात है आज रेक्टर साहब ने भी अनाउंस किया कि ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि एक भदरवा कॉर्नर बनाएंगे अलग से जिसमें कि आर्ट का वो यहाँ का कल्चर डिपिक्ट हो, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाली नस्लें धीरे धीरे हम अपना रूट्स एंड ट्रेडिशंस हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और हम इस एरिया के हैं इवन 4RR काफ़ी टाइम से, वी विल ऑल्सो बी हेल्पिंग इन दिस इनिशिएटिव एंड जो हमारे से सपोर्ट इनको चाहिए होगा हम हमेशा देंगे। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ योर्स एंड आई थिंक इट शुड गो अहेड। एंड ऑल्सो इसके अलावा जो आज अनाउंसमेंट किया कि दूसरी लैंग्वेजेस का जो प्रपोजल है वो भी एक अच्छी इनिशिएटिव है, इसको भी हम थोड़ा एग्जामिन करके इसमें साथ में कोलैबोरेट करके इनको भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ है एंड बाकी स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं आज आपकी ये अनाउंसमेंट्स भी की अच्छा इनिशिएटिव ले रही है भदरवा कैंपस की MCA का कोर्स आपका 5 ईयर्स का विद बेनिफिट्स एवरी ईयर, दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड लॉ का भी बता रहे थे तो आई थिंक धीरे धीरे द थिंग्स आर कमिंग अप एंड अच्छा है। अभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपको कर ही दिए, यूथ फेस्टिवल जो पिछले 3 साल से नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड एंड अदर थिंग्स, तो इसको कोलैबोरेट करके हम अच्छे से करेंगे सो दैट इट ऑल्सो ब्रिंग्स दैट मैसेज ऑफ यूथ इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी भदरवा, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी आज के हालात में। एंड मुझे उम्मीद है कि इसमें भी आप सब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इस यूथ फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू। हाँ, ये जो आज सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए इंडियन आर्मी के जवानों के बीच में, ये कोर्स स्टार्ट किया गया था 4 महीने पहले
भद्रवाही लैंग्वेज का, और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो था यही था कि जो जवान बाहर से आता है इंडियन आर्मी का, वो यहाँ की लैंग्वेज को समझे। और इससे क्या होगा, यहाँ पे जब बाहर से वो जवान आएगा, वो यहाँ के लोगों के साथ जो भद्रवाही बोलते हैं, भद्रवाही जवान जो है, भद्रवाही नहीं बल्कि उसके मजाफती इलाकों में भी बोली जाती है, तो उसको समझने में लोगों, जवान और आवाम के बीच में ये जो रिश्ता है उसको मजबूत जो है करेगा। इतना ही नहीं बल्कि जो भद्रवाही लैंग्वेज है, ये कदम है भद्रवाही लैंग्वेज को प्रमोट करने का, और आने वाले वक्त में और भी काफ़ी सारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है जिनको प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, उनको भी प्रमोट किया, लेकिन पहला जो कदम है मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संगमील है भद्रवाही लैंग्वेज को प्रमोट करने का।